अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये तो तुम्हारी किसी ड्रेस की डोरी लग रही है, कहीं तुमने इसको तो छिपकली नहीं समझ लिया ना? मुझे कोई चोट लगे ही नहीं तो वहम क्या खाक होगा? क्या हो रहा है ये सब? हो ना हो, इसके पीछे पकौस रूही का हाथ है। ये लड़की जितनी सीधी दिखती है ना उतनी है नहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये चाहती क्या है, क्यों कर रही है ये सब? क्या है ये लाइट, कैसे चली गई? अब सोनिया आंटी, अब नहार, सोनिया आंटी नहार, सब कहाँ चले गए? और इस लाइट को अचानक से क्या हो गया? अवनी, दादी, सोनिया आंटी, फोटो फ्रेम दिखाकर क्या करना चाहती हो तुम? मुझे डराना चाहती हो? पागल साबित करना चाहती हो मुझे? रुको, मैं अभी सबको बुलाती हूँ और यहाँ बात करती हूँ। रुको तुम यहीं पे। सोनिया आंटी, नहार, इस घर में तुम्हारे और मेरे सिवा और कोई नहीं है। अग्नि, इसीलिए मैंने सोचा आज तुम्हारी आंखों पर बंधी पट्टी हटा दूं, तुम्हारे भ्रम को तोड़कर तुम्हें हकीकत का आईना दिखा दूं। क्या, कैसा भ्रम, कौन सी हकीकत? ये भ्रम
कि नाहार जी मुझसे रिश्ता तोड़कर तुमसे रिश्ता जोड़ लेंगे, मुझे भुलाकर तुम्हें अपना लेंगे। ये सब क्या बोल रहे हो रोहित? तुम भला मैं क्यों भरम में रहूंगी? अरे मैंने तो खुद नहर का हाथ तुम्हारे हाथ में सौंपा था, तो फिर मैं क्यों तुम्हारे रिश्ते के बीच में आऊंगी? इसका जवाब तो सिर्फ तुम ही दे सकती हो अग्नि। मैं तो सिर्फ इतना कहूंगी कि अभी भी वक्त है अपने कदम पीछे करो, बंद करो अपना ये घटिया खेल, क्योंकि अब मैदान में मैं भी आ चुकी हूं। अग्नि, मेरे सुहाग पर नजर डालकर तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। मेरे और नहार जी के बीच दूरियां लाकर तुमने मेरे अंदर की पत्नी को आगाज दिया है, जो अब तुम पर बहुत भारी पड़ने वाली, तुम्हारी हर चाल का उल्टा जवाब देने वाली, और तुम्हारे चेहरे से मासूमियत का नकाब हटाकर तुम्हारा असली चेहरा सबके सामने लाने वाली है। ये सब क्या बोल रही हो रूही तुम? ये कैसा है घटिया इल्जाम तुम मुझ पे लगा रही हो? तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है रूही। गलतफहमी तो थी अग्नि, तुम्हारी अच्छाई की, तुम्हारी सच्चाई की, जो उस दिन दूर हो गई जिस दिन तुमने गुरुमा को 25,000 रुपए दिए थे। मानना पड़ेगा, वैसे खेल तो तुमने बहुत अच्छा खेला था, पर अंत में बेवकूफी करी दी ना। अरे बेवकूफ, जिसको इतने पैसे दे रही हो, कम से कम उसका चेहरा तो देख लेती। ये लो अपना पैसा, और आज के बाद तुम्हारा और मेरा सारा हिसाब क्लियर। बहुत हो गया तुम्हारा नाटक अभी, अब तुम्हारे हर नाटक से, हर राज से पर्दाफाश होगा। पर उससे पहले मुझे मेरे कुछ सवालों के जवाब चाहिए तुमसे अग्नि। क्यों किया तुमने ऐसा? बताओ, मैं जानना चाहती हूँ अग्नि, क्यों किया तुमने ऐसा? अरे नहार जी की खुशी के लिए मैंने दिन रात एक कर दिया था तुम्हें ठीक करने में। मैं तो खुद ही तुम्हारे और नहार जी की जिंदगी से जा रही थी, पर उस वक्त तुमने मुझे रोका था। तुम उनसे लौटने की कोशिश क्यों कर रही हो? क्यों मम्मी जी के खाने में मिर्च मिलाया और मुझे घर से निकाला था? क्यों मेरे पीछे मेरा घर संभालने का नाटक किया ताकि तुम नहार जी के करीब आ सको, नहार जी के एंजाइटी की दवाइयां दी ताकि वो बीमार पड़ जाए और पूरे घर वालों को लगे कि वो तुम्हारे जाने की खबर सुनकर बीमार पड़े। चौको मत, मुझे सब पता है,
अरे तुम नाहर जी की दोस्त थी, इसीलिए मैंने तुम्हें अपनी बहन माना था, लेकिन तुमने क्या किया थी? बहन, बहन माय गॉड, तीन साल रुई, तीन साल मैं होश में नहीं थी, नाहर से शादी के जिद में तीन साल मैं अपनी जिंदगी, अपना प्यार, अपना होश सब गवा बैठी थी। जब मैं होश में आई तो इस उम्मीद से उठी कि नाहर मेरे नाम का सिंदूर और मंगलसूत्र लेके मेरा इंतजार कर रहा होगा। क्या मिला मुझे? तुम, नाहर की पत्नी, पत्नी, पत्नी। जिस प्यार को पाने के लिए मैंने इतना त्याग किया, उस प्यार को तुम जैसी गवार ने अपने जाल में फंसा लिया। अरे, टूटा हुआ था मेरा नाहर, कमजोर था, इसलिए तुम्हारे कंधे पे दो मिनट सर रख के रो लिया। सिर्फ प्यार मत समझो रूही, अरे जो नाहर तीन साल में सब कुछ भुलाकर आगे नहीं बढ़ पाया, वो तीन महीने में तुमसे मिलकर सब भूल जाएगा। इम्पॉसिबल, तुम तो नाहर के लायक हो ही नहीं रूही, काबिल नहीं उसके पत्नी बनने के। जिनके घर खुद शीशे के होते हैं ना अग्नि, उनको दूसरों के घर पर पत्थर नहीं मारने चाहिए। मेरी काबिलियत पर उंगली उठाने से पहले खुद अपने गिरेबान में झांककर देख लो, क्या तुम नाहर जी के प्यार, दोस्ती के, विश्वास के, उनके प्यार के, उनके समर्पण के लायक हो? कभी सोचा है तुमने, जब नाहर जी को पता चलेगा कि उनकी दोस्ती के बदले में उन्हें ये मिला तो उन्हें कैसा लगेगा? जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम गुरु माँ को हमारे घर लेकर आई, ना सिर्फ उनकी पत्नी को बल्कि उनके पूरे परिवार को दुख पहुंचाया, सोचा है कभी तुमने कि उनको कैसा लगेगा? जिस अग्नि को सही करने के लिए वो तीन साल तड़पे, जिनकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी रुक गई, अरे वो ही आज उनके खुशियों के खिलाफ खड़ी है। तो उनकी खुशियों के खिलाफ नहीं हूँ मैं रूही, नहीं हूँ, मैं हूँ नाहर की असली खुशी, मैं हूँ, मैंने कहा ना सिर्फ मैं हूँ नाहर की असली खुशी, मैं हूँ। लेकिन पत्नी मैं हूँ अग्नि, वो तो तुमसे शादी करने ही करना चाहता था। तुम्हें मंडप में छोड़कर वो मेरे साथ मेरे कमरे में मेरा हाथ पकड़ के बैठा था। तुम उसके लिए सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, बोझ हो तुम उसके लिए, जिससे उसके घर वालों ने जबरदस्ती उसके सर पर लाद दिया। मैं हूं नाहर का सच्चा और पहला प्यार, वो प्यार जिसके उसके दिल में, उसके घर में आज भी वही जगह है जो सालों पहले था। तभी आज भी वो तुमसे ज्यादा मुझ पर विश्वास करता है। मेरी तबीयत खराब होने पे वो इतना परेशान हो जाता है, मुझे रोकने के लिए उसने मेरा पासपोर्ट तक जला दिया, क्योंकि भले ही वो इस फर्ज को अपना प्यार समझ बैठा हो, पर असलियत तो ये है कि उसका सच्चा प्यार उसके कर्तव्य के बोझ के तले दबा हुआ है, जो हूं मैं। ये रिश्ता तो वो बस दुनिया को दिखाने के लिए निभा रहा है,
असलियत में तो वो एक अनाथ पर तरस खाकर उसे अपने सिर का ताज बनाकर रखा है, क्योंकि उसे भी ये बात पता है कि उसके नाम के बिना तुम्हारी कोई हैसियत कोई पहचान नहीं है। उसके नाम के बिना दर दर भटकोगी तुम। वो भी ये बात जानता है, इसलिए तुम्हें अपने घर के कोने में बैठा कर रखा है। तुम मेरी बात कर रही हो या अपनी अग्नि? मैं नहार जी के सर का ताज हूं, क्योंकि मैं उनकी पत्नी हूँ, रूही नहार गोयनका। तुम यहाँ पर किस रिश्ते से हो अग्नि? दोस्त के रिश्ते से? दोस्त के घर पर ना, दोस्त सिर्फ 4 दिन अच्छे लगते हैं अग्नि, जिंदगी भर नहीं। और जिस पोच की तुम बात कर रही हो ना अग्नि, वो मेरी शादी का नहीं बल्कि तुम्हारे साथ जो हादसा हुआ है उसका पोच है, उसका अफसोस है, समझी? जिसे आज तक सीने में दबाए घूम रहे नाहर जी, वो उनका प्यार नहीं बल्कि तुम्हारे लिए उनका पछतावा है अग्नि। तुम्हारी खुद गर्सी को अपने दिल का घाव बना कर रखा है उन्होंने। तुम्हारी गलती की गिर से आज तक वो अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। उन्हें डर है कि तुम कहीं फिर से तुम कहीं उस ड्रामा में ना चली जाओ, इसलिए इंसानियत के नाते तुम्हारी परवाह कर रहे हैं वो, समझी? अच्छा, इतना यकीन है तुम्हें अपने प्यार पे? तो क्या नहर ने आज तक इजहार किया है इस प्यार का तुमसे? क्योंकि कुछ एहसास को इजहार करने की जरूरत नहीं होती अभी, उन्हें समझने के लिए दिल से दिल का रिश्ता ही काफी होता है। पर तुम्हें ये सब कहां समझ आएगा? आओ देखो, ये मेरे और नहार जी के रिश्ते की सच्चाई है। नहार जी की आंखों में देखो, तुम्हें साफ नजर आ जाएगा। और जिसे तुम जिम्मेदारी बोल रही हो ना, वो मेरे और नहार जी के 7 जन्मों का रिश्ता है। 7 जन्मों तक नहार जी सिर्फ मेरे और मैं उनकी हूं। जन्म जन्म का रिश्ता होता है पति पत्नी का, दिया और पाती होते हैं पति पत्नी, शिव और शक्ति होते हैं पति पत्नी, सुर और संगम होते हैं। हाथ लगाने की सोचना भी मत अग्नि, ना हमारे बीच आने की, ना अपनी बुरी नजर हमारे रिश्ते पर डालने की। और अगर ऐसा तुमने सोचा भी तो मैं तुम्हें डांट कर दूंगी। आखिरी मौका दे रही हूँ अग्नि, दोस्त हो दोस्त के दायरे में रहो और हमारे घर से वापस चली जाओ, क्योंकि नहार जी की जिंदगी में एक दोस्त के अलावा ना ही तुम्हारी कोई अहमियत है और ना ही कोई पहचान। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। इस घर से सिर्फ एक इंसान चाहेगा, वो हो तुम। ठीक है अग्नि, अगर तुम्हारी यही जिद है तो यही सही, आने दो सबको, मैं अभी के अभी सबको सच बताऊंगी, सब।
दूंगी कि तुम गुरु माँ के साथ मिली हुई हो। और ये सब जो तुम्हारा चोट का नाटक है ना, ये सब झूठ है। तुम बस बीमार होने का नाटक कर रही हो। अब देखिए मन सुंदर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।